मारुति सुजुकी को मालूम चल गया कि भैया सिर्फ और सिर्फ कितना देती है के नाम पे हम कार नहीं बेच सकते, तो ये कहीं पे भी ना क्रेटा सेल्टोस जैसे कार के साथ नहीं स्टैंड कर पा रही कि पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि। तो इंडिया का जो ऑटोमोटिव मार्केट है वो एक फियर्सली कंपेटिटिव स्पेस है और पिछले कुछ सालों में यहाँ पे हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। अब आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छे प्रोडक्ट का मतलब से बढ़िया माइलेज और स्पेस ही नहीं रह गया है। आज के डेट में बायर्स जो हैं ढूंढते हैं स्पेस, डिज़ाइन, माइलेज तो खैर ढूंढते ही हैं, साथ ही साथ ढूंढते हैं बढ़िया फीचर्स एंड थैंकफुली उससे भी ज़्यादा महत्व देते हैं सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी को। अब जब हम सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इंडिया की जो टॉप मोस्ट कार मेकर है मारुति सुजुकी, उनका रिपोर्ट कार्ड कंसिस्टेंटली खराब रहा है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी बदलने वाली। और अगर आप मारुति सुजुकी के कार्स में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी गुड न्यूज भी है। तो चलिए आज इस वीडियो में जो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व, लेट्स गेट स्टार्टेड। बलेनो का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक कंप्लीट ओवरहॉल होने वाला है। डिजाइन वाइज जो है ये एक काफी ज्यादा शार्प डिजाइन के साथ आ रहा है, और ना ही सिर्फ ये शार्प डिजाइन के साथ आ रहा है यानी कि नए हेडलैम्प्स, ग्रिल्स एंड एवरीथिंग, बट इसी के साथ यहाँ पे जो इंटीरियर है उसमें भी आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कुछ और नए क्रीचर कंफर्ट्स, एंड ऑल इन ऑल ये जो पर्टिकुलर कार है अब थोड़ी और ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आएगी टू टेक ऑन द लाइक्स ऑफ द Hyundai i20 एंड द अदर्स इन दिस सेगमेंट। बलेनो के साथ साथ हमें नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा भी देखने को मिल जाएगी। वैसे ब्रेजा पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर कार्ड्स में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अब जो आने वाली ब्रेजा है ये अगेन एक कंप्लीटली नई प्रोडक्ट होने वाली है। आपको नए डिजाइन देखने को मिलेंगे जो अगेन काफी ज्यादा शार्प है। अभी जो स्पाई पिक्स निकल के आए हैं उसमें लोगों का जो ओपिनियन है वो मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन मैं स्पाई पिक्स से कभी भी डिजाइन को जज नहीं करता। इनफैक्ट मैं वेट करता हूं कि भाई एटलीस्ट थोड़े और क्लियरर में जाए और मैं पर्सनली कार को देखूं तभी मैं डिजाइन पे कमेंट करता हूं। डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो यस लेट्स ड्रॉप इट। इंटीरियर्स में भी आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, नया बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ ही साथ नए इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कुछ नए फीचर्स जैसे कि सनरूफ वगैरह सभी आपको फाइनली ब्रेजा में भी देखने को मिलेंगे। 48 वोल्ट का जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो भी आ रहा है, जो अभी करंट 12 वोल्ट है उसको ये रिप्लेस कर देगा, और साथ ही साथ जो ओवरऑल पैकेज है इसको मारुति सुजुकी अब और भी ज्यादा अप मार्केट लेके आने वाली है। YTB को आप एक ब्रेजा का ही काइंड ऑफ चीपर वर्जन देख सकते हैं, जो अगेन कम्पीट करेगा विद दी सोनेट, वेन्यू, मैग्नाइट इन सब कार्स के साथ। अब जस्ट लाइक दी बलेनो एंड ब्रेजा, जो YTB है वो भी बेस्ड होने वाला है ऑन दी फिफ्थ जनरेशन हर्टेक प्लेटफॉर्म, और ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है अब एम करने वाली है फॉर 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग फाइनली। जी हाँ, फाइनली अब मारुति सुजुकी जो है इस चीज को सीरियसली ले रही है। मारुति सुजुकी को मालूम चल गया कि भैया सिर्फ और सिर्फ कितना देती है के नाम पे हम कार नहीं बेच सकते, क्योंकि अब लोग सीधे आके यही पूछेंगे कि भैया क्या ये जान बचाती है, और वहां पे तो आंसर अब नेगेटिव में दोगे तो सेल्स तो नेगेटिव में ही जाएगा ना। तो इसी वजह से जाहिर सी बात है कि इस चीज को अब वो सीरियसली ले रहे हैं, एंड दैट इज अ गुड स्टेप। अब ये जो YFG है ना, ये एक्चुअल में नेक्स्ट जनरेशन एस क्रॉस है। अभी अगर आप BS6 एस क्रॉस को देखते हैं, जिसका मैंने लॉन्ग टर्म रिव्यू कर रखा है, तो ये कहीं पे भी ना क्रेटा सेल्टोस जैसे कार के साथ नहीं स्टैंड कर पा रही है। हालांकि पैकेज बहुत बढ़िया है, उसके लिए आप मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू देख लीजिए, लेकिन डिज़ाइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, इन सभी चीज़ों में जो है ये कार लैक करती है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन एस क्रॉस है वो हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा शार्पर एंड मोर SUV-ish हो चुका है। कुछ चीज़ें आपको XL6 की याद दिलाएगी, क्योंकि वही अब मारुति जो है गोइंग फॉरवर्ड उसी टाइप के डिज़ाइन को अपना रही है, एंड ओवरऑल डिज़ाइन वाइज जो ग्लोबल मॉडल है वो आपको इससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगे। वही सेम चीज़ इंटीरियर में भी है, इंटीरियर भी जो है अगेन फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ आ रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो वही पुराने पार्ट्स बिन से लिए गए हैं। आप देख के बताइए कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इंटीरियर में जो अब भी आपको करंट एस क्रॉस में या मारुति के और भी दूसरे कार्स में देखने को मिलता है। इंजन वही 1.5 लीटर आएगा अगर इंडिया में आता है तो, लेकिन ग्लोबल मॉडल्स में जो है हमें 1.4 लीटर बूस्टर जेट देखने को मिला है। हालांकि इसके इंडिया लॉन्च के बारे में अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है,
क्योंकि मारुति सुजुकी जो है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली मिड साइज सेगमेंट में एक अलग कार डेवलप कर रही है टोयोटा के साथ मिलकर। ये टोयोटा के DNGA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने वाला है और ये पहली कार होगी जो शायद इस सेगमेंट में मारुति की तरफ से 5-स्टार रेटेड हो सकती है, क्योंकि मारुति का पूरा जो अभी ध्यान है वो इसी के ऊपर है कि भैया इसको कैसे भी सेफ्टी वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी है, 5-स्टार रेटिंग लेके आनी है। और ये जो DNGA प्लेटफॉर्म है टोयोटा का काफ़ी ग्लोबली अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बात किया है। तो यहाँ पे जो है हमें वही DNGA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड एक कम्प्लीटली नया डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। तो जितनी भी चीज़ें आज के डेट में आप इस सेगमेंट में कॉमन देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको मारुति के आने वाले कार में भी देखने को मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात है क्योंकि अभी के डेट में मारुति के सभी लाइनअप की कार जो है काफ़ी ज़्यादा डेटेड फील होती है, एंड जिस वजह से लोग अब थोड़ा सा मारुति से पीछे हट लग गए हैं जैसे सेफ्टी फीचर्स, उसको भी अब फाइनली मारुति एड्रेस कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेस भी ऊपर जाने वाले हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में भी जो है इजाफा होगा और उसका जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है वो आपके एंड प्रोडक्ट पे भी देखने को मिलेगा। बट आई पर्सनली फील कि ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कीमत बढ़ा के प्रोडक्ट को सेफ बना रहे हो, बढ़िया बना रहे हो एंड टू द पॉइंट बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है कि वो सस्ती कार लेंगे। वो पैसे दे के आज भी कार ले रहे हैं अच्छी वाली और वैसे भी लेंगे। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में, यहां पे मैंने आपको सभी चीजें बता दी ऑफ द न्यू अपकमिंग कार्स फ्रॉम मारुति सुजुकी और क्या कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद दैट सेड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर बताइए ऑफ मारुति सुजुकी दिस न्यू स्ट्रेटजी। एंड विद दैट, जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ टू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन राइडिंग, देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।